तो टुडे द टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इज सूचर्स। सूचर्स की जो जो पर्पज होता है सूचर्स लगाने का ना, दैट इज टू इमोबिलाइज टिश्यूज दैट विल इन टर्न अलाउ हीलिंग। देखें हीलिंग आप लोग को पता है दो किस्म की होती है, प्राइमरी इंटेंशन सेकेंडरी इंटेंशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल सर्जरी में भी कि वूंड के दरमियान बिल्कुल गैप अगर ना हो तो हीलिंग भी जल्दी होगी, स्कार टिश्यू भी कम बनेगा, ठीक है। एंड और सेकेंडरी इंटेंशन से हीलिंग क्या होती है, जब दो वूंड एजेस के दरमियान, वूंड मार्जिन के दरमियान बहुत बड़ा गैप हो तो पहले वहाँ पे फिर हेमाटोमा बनेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रैनुलेशन टिश्यू बनेगा, वो फिर ही मॉडल होगा, दैट विल लीड टू अ वेरी अगली स्कार। तो आपने इसीलिए आप देखें हेड एंड नेक एरिया में जब भी कोई वूंड होता है तो उसको जब हम उसको कहा जाता है कि उसको बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना किसी किसी प्लास्टिक सर्जन से या किसी मैक्सिलोफेशियल सर्जन से जो है ना स्टिच लगवाएं, नॉर्मल किसी से स्टिच ना लगवाएं वरना स्कार बन जाएगा बाद में। वो इसीलिए बिकॉज सूचर्स एक्चुअली हेल्प इन रिड्यूस्ड स्कार फॉर्मेशन इन द फ्यूचर बाय मेकिंग श्योर के प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग हो, ठीक है। तो ब्लीडिंग भी कम होती है, ज़ाहिर है सूचर इसलिए भी किया जाता है ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए, हिमाटोमा कंट्रोल करने के लिए, एडीमा कंट्रोल करने के लिए। अगर वूंड मार्जिन आपस में दूर होंगे ना तो पेशेंट जैसे ही मूव करेगा साथ में वूंड मार्जिन हिलेंगे, दैट विल लीड टू डिस्कम्फर्ट। तो सूचर्स की वजह से डिस्कम्फर्ट भी कम होता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली रिड्यूस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बिकॉज अगर एपिथीलियल बैरियर ऊपर से ओपन होगा कोई भी, दैट विल लीड टू एन इन्फेक्शन। ओके तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके सूचर जो है ना कैसे ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, डायरेक्ट वेसल लाइगेशन भी की जा सकती है इसके साथ, ठीक है। बाय आपको कभी आप लोग फाइनल ईयर में आप आओगे ना तो आप ओटी में जब आया करोगे हमारे पास सर्जरी देखने, तो आप लोग देखोगे कि जैसे हम कभी नेक डिसेक्शन कर रहे हो नेक की सर्जरी, उसके अंदर बहुत सारी वेसल्स आती हैं नेक में, तो कोई अगर वेसल कट हो जाए और वो ब्लीड कर रही हो तो हम क्या करते हैं उसको उसका जो वेसल का ल्यूमन है उसको होल्ड करते हैं और अराउंड द ल्यूमन जो है ना सूचर को टाई कर देते हैं अच्छे तरीके से, एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा टाई कर देते हैं कि दोबारा ताकि खुले ना। और सूचर वेसल के लिए कौन से लगाते हैं, नॉन रिजॉर्बेबल, ताकि वो कभी ये ना और रिजॉर्ब हो तो वेसल बाद में खुल जाए, ठीक है ना, नॉन रिजॉर्बेबल सूचर लगाते हैं। ओके पेरियो पैक आप लोगों ने सुना है, पेरियो में पढ़ा होगा, पेरियो पैक को पैक पढ़ा है। जो पेरियो पैक होता है ना दैट इज ऑल्सो डन फॉर मैनी थिंग्स, उसमें से एक रीजन होता है टू होल्ड अ ड्रेसिंग टू कंट्रोल ब्लीडिंग, तो उसको भी सूचर किया जाता है, ठीक है। नीडल्स कैसी होती हैं, आइड होती हैं, स्वेज्ड होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, कर्व्ड होती हैं, लार्ज भी होती हैं, शॉर्ट भी होती हैं, टेपर्ड होते हैं, स्ट्रेट भी होती हैं, टेपर्ड भी होती हैं, राउंड बॉडी भी होती है, रिवर्स कटिंग भी होती है। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं ना जो ओरल कैविटी है दैट इज़ अ कटिंग नीडल, ठीक है। बाकी बॉडी में और जगह राउंड बॉडी फीचर्स की प्रॉपर्टीज ये साइज स्ट्रेंथ एलोंगेशन इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। किसी सूचर में कोई प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग, किसी सूचर में कोई है, हम उस हिसाब से फिर वो सूचर यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सूचर की प्रॉपर्टी होती है मेमोरी, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है इसका क्या मतलब है, सूचर की मेमोरी क्या मतलब है इसका, एनी आइडिया? नो आइडिया। ओके सूचर की मेमोरी का ये मतलब सर डिफॉर्मेशन के बाद दोबारा अपनी प्रीवियस शेप में आ जाना। जबरदस्त एब्सोल्युटली राइट। एक सूचर है ना जैसे आप लोगों ने देखा होगा ब्लू कलर के सूचर्स होते हैं, प्रोलीन
स्टोन सूचर्स, नाइलॉन टाइप मटेरियल के, ठीक है, आप उसको बेंड करोगे ना, छोड़ोगे, दोबारा सीधा हो जाएगा वो सूचर। इसका फायदा ये होता है कि जब हम सूचर प्लेस करते हैं ना, उसको जब टाई कर देते हैं, तो वो दोबारा से ना उसके अंदर एक सर्टन लेवल ऑफ स्टिफनेस है उस सूचर के अंदर, वो दोबारा से खुलने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो वुंड वायरिंग को बहुत टाइट रखता है, खींच के रखता है, दैट लीड्स टू लेस स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, सो सूचर की मेमोरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये मुझे को बताए कि हाउ लॉन्ग इज द सूचर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड स्ट्रेंथ। हमें वुंड स्ट्रेंथ कब तक चाहिए होती है किसी भी एरिया में, कोई आइडिया? मैं बताता हूँ, देखो ओरल कैविटी में ना हमें वुंड स्ट्रेंथ चाहिए एक सर्टन पीरियड तक, स्किन पे वुंड स्ट्रेंथ चाहिए एक सर्टन पीरियड तक, मसल में अगर लगाया वहां पे कुछ और टाइम है, अंदर लिवर में लगाया वो कुछ और टाइम है, कहीं स्टमक में लगाया हुआ है कहीं और कुछ और टाइम है उसका, नेक में लगाया हुआ है किसी वेसल पे कुछ और टाइम है उसका। ठीक है, नॉर्मली वी नीड स्ट्रेंथ अंटिल देयर इज कंप्लीट हीलिंग। ठीक है, ओरल नॉर्मल हीलिंग हो जाती है अराउंड 5 to 7 days के अंदर, तब तक हमें चाहिए होता है सूचर। ठीक है, बट एरियाज हैं जैसे बहुत मोबाइल एरिया है कुछ, जैसे नेक के ऊपर आपने सूचर लगाया है, ठीक है, तो वहाँ पे होगा क्या कि वहाँ पे ना स्टर्नोफ्लेबोमास्टॉइड है, वो बार बार मूव करेगा जैसे पेशेंट राइट लेफ्ट देखेगा, यस, तो उसकी वजह से वी नीड मोर स्ट्रेंथ इन दैट एरिया। ठीक है, तो सूचर्स इस तरीके से आपने चूज करने हैं कि डिपेंडिंग अपॉन द साइट कहाँ पे कितनी देर तक स्ट्रेंथ चाहिए। ओके, सूचर टाइप्स ऑर्गेनिक होते हैं एंड सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, ये को बता सकता है कैटगट का क्या मतलब है, कैटगट क्या होता है? Any idea? Okay. यार ये जो शीप होती है ना, उसके जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, उससे ये सूचर बनाया गया, शीप के इंटेस्टाइन्स। ठीक है, शीप के, गोट के, उसके इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। इट इज अ रिजॉर्बेबल सूचर, ये आप लगाएंगे ना, ये थोड़ी देर बाद रिजॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर। ये प्लेन होता है और क्रोमिक होता है, क्रोमिक में ना सिल्वर ऐड किया जाता है ताकि थोड़ा देर से रिजॉर्प्शन हो। इसको कैट कट क्यों बोलते हैं अगर ये शीप का कट है तो? नो आइडिया। ओके, कैट कट से बोलते हैं तक ये लफ्स जो है ना वो इसलिए यूज करते हैं बिकॉज दिस मीन्स कैटल कट। ठीक है, कैटल कट। सिंथेटिक में वी हैव PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, डेक्सॉन के नाम से आता है। दिस सूचर हैज द मोस्ट स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ सॉरी स्ट्रेंथ नहीं दिस सूचर हैज द लॉन्गेस्ट रिजॉर्वेबिलिटी टाइम। ठीक है, इसके अलावा पॉलीगैलेक्टिन होता है, वाइक्रेल के नाम से आता है, बहुत कॉमनली यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द नॉन एब्जॉर्बेबल, non-absorbable भी organic और synthetic होते हैं। organic होगा silk made by the silk worm and synthetic हो गए SS हो गया, silver हो गया, nylon हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ना monofilamentous हैं और multifilamentous हैं। ठीक है, एक single thread से बना हुआ जैसे nylon हो गया, proline हो गया, monofilamentous हैं, और जो multifilamentous होते हैं ना। अच्छा ये को बता सकते हैं मोनोफिलामेंटस और मल्टीफिलामेंटस का फायदा या नुकसान क्या होगा? हेलो, गुड मॉर्निंग यार अमर सर, मल्टीफिलामेंट में नॉट सिक्योरिटी ज्यादा होगी। मल्टीफिलामेंट में नॉट सिक्योरिटी एब्सोल्युटली जबरदस्त यार, माही छागी यार को। इसके अलावा और ठीक है, इसके अलावा और कोई पॉइंट मुझे बताओ। मलिहा खालिद, मलिहा
सॉरी हो, जाग रही हो? जी सर। सॉरी हो रही है? जी मैं दिया। इसके अलावा बताओ मुझे, कोई मोनोफिलामेंटस और पॉलीफिलामेंटस सूचर्स का फर्क कोई बता सकती हो? नहीं सर। थैंक यू वेरी मच। कोई और बताए यार मुझे, अब्दुल्ला बता सकते हैं यार? यस सर। यार फर्क बताओ इसका, मोनोफिलामेंटस मल्टीफिलामेंटस सूचर्स। आसान बात है यार। सर मोनोफिलामेंट में हम सिंगल फिलामेंट यूज करते हैं, जबकि मल्टीपल में मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, उन्हें आपस में वो स्विल हुए होते हैं। परफेक्ट, यस। तो इसका तो इनका कोई एडवांटेज होगा, दोनों का कोई ना कोई एडवांटेज होगा और डिसएडवांटेज भी होगा, है ना? यस सर, आपने लेक्चर में इस बार बताया। यस, कौन बताए? सर मोनोफिलामेंट में हमारे पास सूचर ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं रादर देन मल्टीफिलामेंट। देखो जमीनिया, फिलामेंटल में ब्रेक होने के चांसेस कम नहीं होंगे थोड़े, क्योंकि वो स्ट्रेंथ ज्यादा है उसकी, ज्यादा फिलामेंट्स हैं उसके अंदर, नो? मैम सर वो मैं मोनोफिलामेंट की बात कर रही थी कि मोनो में चांसेस ज्यादा होंगे। बिल्कुल सही कह रही हो फिर। सो मोनोफिलामेंटस में चांसेस हैं ब्रेक होने के, बिल्कुल सही है। मल्टीफिलामेंटस जो होता है वो स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है। मल्टीफिलामेंटस में ना एक प्रॉब्लम होती है, दैट इज कॉल्ड द विकिंग इफेक्ट। जॉन विक वाला नहीं होता वो, जो विक वो वाला जॉन, वो विकिंग इफेक्ट कहते हैं। विकिंग इफेक्ट मीन्स कि मोनोफिलामेंटस हैज द टेंडेंसी टू हार्बर मोर बैक्टीरिया इनसाइड इट। जो सिंगल फिलामेंट होगा उसमें तो कुछ नहीं लगेगा ना, लेकिन मल्टीफिलामेंटस के ना थ्रेड्स के दरमियान बैक्टीरिया आके सो जाएंगे, उसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई हैं जी। सूचर स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हैं? गामा रेडिएशन के साथ। ठीक है, ये जो हमें पैक्स में मिलते हैं ना सूचर्स, दे आर स्टेरिलाइज्ड इन द इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ गामा रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एंड एथिलीन ऑक्साइड। ओके, सो इंटरप्टेड सूचर्स जो है वो है सिंपल हैं, मैट्रस हैं, वर्टिकल हो सकता है मैट्रस, हॉरिजॉन्टल मैट्रस, फिगर ऑफ एट। तुम लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि नीडल के पार्ट्स पहले देखो ये क्या है। सबसे पहले तो टिप है नीडल की, सूचर की, फिर ये बॉडी ऑफ द नीडल है, एंड देन उसका स्वेज है। स्वेज क्या होता है? जिसके अंदर से थ्रेड निकल रहा है, और ये पीछे जो मटीरियल का थ्रेड है पूरा। नॉट टाइंग जो है वो चलो तुम लोगों में बाद में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। दिस इज अ सिंपल इंटरप्टेड सूचर। ठीक है, ये बूंद है, स्किन है, सबकुटेनियस टिश्यू है, ये मसल है। ठीक है, एंटर किया स्किन में, सबकुटेनियस टिश्यू में एंटर किया, मसल में एंटर किया, और ये 3 mm डिस्टेंस है। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही डेप्थ में डिस्टेंस होगा, 3 mm। चलो नीचे भी चले गए, मसल के थ्रू निकाला, सेम लेवल पे मसल में एंटर हुए अगली जगह पे भी, और फिर 3 mm दूर ही एग्जिट किया और पकड़ के टाई कर दिया। अब ये नहीं करना कि स्किन से गए और मतलब नीचे डेप्थ तक नहीं गए, स्किन के अंदर से ही निकाल लिया और फिर नीचे जाके मसल पकड़ लिया, वो फिर अनइवन क्लोजर होगा, दैट विल लीड टू स्कार फॉर्मेशन, प्रेशर ऑन द वुंड। ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल। अगर आप लोग मसल तक जा रहे हो तो वहाँ भी मसल में जाना, और अगर यहीं पे स्किन पे हो तो इधर भी फिर स्किन से लगाना है, बराबर होना चाहिए हमेशा। ठीक है, वर्टिकल मैट्रस सुन लो क्या होता है। यू एंटर फर्स्ट फ्रॉम दिस स्पॉट हियर, ठीक है, और मसल के अंदर गए 5 mm डेप्थ पे। ठीक है, ये वुंड मार्जिन है ना, उससे 5 mm दूर लगाया, 5 mm डेप्थ पे गए, 5 mm डेप्थ के अंदर तो अगले वाले मसल में भी गए, और वुंड मार्जिन की दूसरी साइड पे 5 mm दूर निकले। ठीक है, निकलने के बाद फिर 3 mm डिस्टेंस पे एंटर किया, 3 mm डेप्थ पे गए, इधर भी 3 mm डेप्थ में एंटर किया, इधर 3 mm डिस्टेंस पे एग्जिट किया, और इन दोनों थ्रेड्स को आपस में मतलब नॉट कर टाई कर दिया। जैसे ही टाई करोगे ये वुंड मार्जिन, इस तरीके से सूचर लगाने का क्या फ़ायदा होगा? तो फायदा ये होगा कि इट विल वर्टिकल डायमेंशन में इट विल मेक अ वाटर टाइट सील। ठीक
ये और जरा मेटिकुलस क्लोजर होगा, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें क्या है जी, 3 mm पे एंटर किया, 3 mm पे निकले यहाँ से, फिर दोबारा फिर उस सूचर से जो जहाँ से एग्जिट किया ना उसके हॉरिजॉन्टली साथ आए 3 to 5 mm डिस्टेंस पे, दोबारा एंटर किया और फिर दूसरी वाली साइड पे 3 mm पे निकले और फिर इन दोनों को आपस में टाई कर दिया, तो फिर एंड पे ये दिस विल लीड टू अ गुड वाटर टाइट क्लोजर इन द हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। ठीक है, रनिंग सूचर को तुम लोग छोड़ दो, फिगर ऑफ एट तुम लोग को पता होना चाहिए इस तरह होगा। सबसे पहले एंटर करोगे यहाँ से वाउंड मार्जिन के 1 वाले एरिया पे, 2 से एग्जिट करोगे, फिर दोबारा से सेम साइड पे आओगे 1 वाली साइड की, वहाँ पे 3 वाला हेड एंटर करोगे दोबारा और 4 से एग्जिट करोगे। ठीक है, तो एंटर 1 से होगे, फिर 2 से निकलोगे, फिर 3 से एंटर होगे, फिर 4 से निकलोगे, तो फिर एंड पे 4 और 1 को आपस में टाई कर दोगे, तो ये फिगर ऑफ 8 बन जाएगा। सबको समझ आ गई है ना यार? Yes, sir. Good. Any questions? I think that is enough for हमारा जो सूचर्स वाला। मैं तुम लोगों को ना बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि तो वैसे ही तुम लोग बहुत पढ़ रहे हो आजकल, तुम लोगों को प्रेशर बहुत है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है। तो अगर मैं भी बहुत ज़्यादा पढ़ा दूँगा तो बस फिर बहुत ज़्यादा ब्रेन तुम लोग का ट्रेन हो जाएगा। तो फाइनल ईयर में इंशाल्लाह ज़्यादा चीज़ें करेंगे, अभी फ़िलहाल बस जितना कर सकते हैं उतना कर लेते हैं। आप लोग बताओ अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़। Any questions? No question? No question? No questions. Okay. आप लोगों में से कौन चैंपियन जो है वो ले लेगा स्क्रीन शॉट सबकी अटेंडेंस का, कोई लेगा? Okay sir, ले लेते हैं। इसलिए कि काइंडली ना स्क्रीनशॉट शेयर कर दो इन द ग्रुप, ठीक है? थैंक यू फॉर योर टाइम, और आप लोग डॉक्टर खाकान के साथ एंजॉय करेंगे, ही वाज हियर विद मी अ वाइल बैक, उनको मेरा सलाम दीजिएगा प्लीज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।